गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम आप सबको गणित पढ़ाएंगे। शुरू करें बच्चों। देखो, कक्षा 3 विषय गणित, अध्याय 7 अलग अलग आकृतियाँ। मेरा नाम दीपमाला शर्मा, मेरे साथ बाला कुमारी। आगे बढ़े बच्चों। देखो, दी गई आकृति को उनके नाम से मिलाना। ठीक है बच्चों, ये कौन सी आकृति है? देखो बच्चों, त्रिकोण। फिर नीचे कौन सी आकृति है? चौकोर। उसके बाद नीचे गोल। समझे बच्चों? अब हम इनसे मिलाएंगे। देखें, त्रिकोण कहाँ लिखा है? ढूंढो। देखो बच्चों, ये रहा। अब हम मिलाएंगे त्रिकोण। इसी तरह से नीचे देखो, कौन सी आकृति है? चौकोर। ढूंढो बच्चों, ये हमने मिला दिए। फिर नीचे देखो, गोल। देखो कहाँ है ये मिलाया। समझ में आया? इसी तरह से आगे बढ़े। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 1। इस चित्र में गोलाकार, तिकोना और चौकोर आकृतियाँ कितनी है? देखो बच्चों, ये क्या है? ये आकृति से एक चित्र बना है। अब हम इसे छाटेंगे और इसमें लिखेंगे। देखो बच्चों, नीचे लिखा है आकृतियाँ और इधर संख्या। सबसे पहले देखो चौकोर। अब इसमें ढूंढो चौकोर आकृति कितनी है। देखते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितनी आकृति है? 9। हमने लिखे यहाँ पे 9। आप देखो तिकोना, इसमें से ढूंढेंगे तिकोना कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने लिखे 7। फिर देखो बच्चों, गोलाकार कितनी है? देखो इधर, गोल मुंह और गोल पेट। कितनी संख्या हुई? 2। हमने लिखे 2। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 2। आकृति के आधार पर वस्तुओं का
वर्गीकरण कीजिए। देखो बच्चों, ये सारी क्या है? वस्तुएं। और इधर आकृति। देखो बच्चों, ये क्या है? लिफाफा। कैसी आकृति है? चौकोर। फिर आगे देखो, घड़ी। कैसी आकृति है? गोल। फिर आगे देखो, बटन। ये कैसा दिख रहा है? गोल। तो किस आकृति से मिल रहा है ये? गोल आकृति से। अब नीचे देखो बच्चों, ये क्या है? पराठा। कैसा दिख रहा है? त्रिकोण। तो कैसी आकृति से मिल रहा है? त्रिकोण। ये है समोसा। कैसा दिख रहा है? त्रिकोण। तो मिला किससे? त्रिकोण से। ये देखो बच्चों, खिड़की। किससे मिल रही है? देखो बच्चों, चौकोर। फिर नीचे देखो, ड्रम। किससे मिल रहा है? गोल से। फिर देखो बच्चों, ये क्या है? सांकेतिक सिंबल। किससे मिल रहा है? त्रिकोण से। आगे देखो बच्चों, बॉल। किससे मिल रही है? गोल से। नीचे देखो बच्चों, तरबूज। खाया आपने? कैसा लगता है? मीठा। और दिखने में गोल। किससे मिला? गोल से। फिर आगे देखो, ब्लैक बोर्ड। क्या करते हैं हम? पढ़ते हैं। किससे मिल रहा है ये? चौकोर। आगे बढ़ो बच्चों, देखो क्या है ये? बर्फी। कैसी लगती है? मीठी। और दिखने में चौकोर। समझे बच्चों? आया समझ में? आगे बढ़े। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर एक, आकृतियों के गुण पहचानना। देखो ये चित्र में क्या है? थाली के घुमावदार कोने होते हैं। कैसी दिखती है थाली हमें? गोल, जिससे हम खाना खाते हैं वो बाहर नहीं निकलता। ठीक है, अब नीचे देखें, क्या है बच्चों ये? किसका चित्र है ये? रोटी। रोटी के घुमावदार कोने होते हैं। किस काम आती है ये? हम खाना खाते हैं। ठीक है ना बच्चों? आगे बढ़े। प्रश्न नंबर दो, आकृतियों के
गुण पहचानना। देखो बच्चों, ये क्या है? समोसा। कैसा दिख रहा है? तिकोन। समोसे के तीन कोने होते हैं। नीचे देखो, क्या दिख रहा है? पराठा। पराठे के तीन कोने होते हैं। समझे बच्चों? समझ में आया? इसी तरह से आप सब बच्चे घर पर अभ्यास करेंगे और याद करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय, थैंक यू।